आज जहां बच्चों को भविष्य माना जाता है, उन्हीं की शिक्षा में अगर लापरवाही सामने आए, यहां तक कि उनकी जान को खतरा हो जाए, तो इसका जवाब कौन देगा? एक बार नहीं, दो बार नहीं, अगर बार बार उनकी शिक्षा में ढील पोल की जाती है, तो इसके लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएंगे, स्वयं को या सारी व्यवस्था को? आखिर किसी न किसी को तो जवाबदार तो बनना ही पड़ेगा, पर जिम्मेदारी लेने से सब कतरा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आस्था चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज 29 इंडिया की खास खबर, खतरों से खेलता भविष्य। जो हम आपको तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो आपको हैरत में डाल देगी और शायद आपको सोचने पर भी मजबूर कर दे कि क्या इन मासूमों के जीवन की किसी को कोई फिक्र नहीं है? क्या देश के भविष्य कहलाने जाने वाले इन नौनिहालों की जान की चिंता किसी को नहीं है? राज्य उत्तराखंड, जिला उधम सिंह नगर, स्थान रुद्रपुर। जनपद उधम सिंह नगर के मुख्यालय रुद्रपुर का एक स्कूल जहां छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। इस सरकारी स्कूल की हालत इतनी खस्ता है कि ये कभी भी गिर सकती है और उसमें पढ़ रहे बच्चों की जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। सर पर तलवार की तरह लटकती बच्चों की जिंदगी पूरी तरह से दांव पर लगी हुई है। जर्जर हुए सरकारी स्कूल को देख कर लगता है कि पता नहीं ये कब धराशायी हो जाए। और इस जर्जर हुए स्कूल की छत के नीचे देश के नौनिहाल शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जबकि ये जनपद सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे का है। आप खुद देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल में नन्हे मुन्ने बच्चों को जान का खतरा कितना बना हुआ है। ताज्जुब की बात तो यह है कि जिस जिले के सूबे के शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे है, वही के बच्चों की शिक्षा के साथ, यहां तक कि उनकी जान के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही देखनी हो तो आ जाइए रुद्रपुर जिले के जिला मुख्यालय से महज 15 किलोमीटर दूर किच्छा के राजकीय प्राथमिक विद्यालय वंडिया भट्टा में। इस विद्यालय का निर्माण 2012 में ही 11,72,000 रुपए की लागत से करवाया गया था, लेकिन निर्माण के कुछ वर्षों बाद ही विद्यालय की स्थिति बद से बदतर हो गई, जिसके लिए कई बार स्थानीय समाज सेवी ने एसडीएम के माध्यम से शिक्षा विभाग के अधिकारियों को संबोधित ज्ञापन तो सौंपे, लेकिन शिक्षा विभाग के अधिकारी कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं। जो शिक्षा अभियान चलने वाला है उसमें बजट आने वाला है, उसमें इसका प्रस्ताव इसके पुनर्निर्माण के लिए दिया गया है और जैसे बजट आता है इसके पुनर्निर्माण का काम पूरा करके विद्यालय को ठीक कर दिया जाएगा। सर वहीं साथ ही साथ अभी जो हमारे स्पेशल डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत रिडक्शन प्रोग्राम चल रहा है, उसमें हमारे कोई ना कोई एनजीओ के द्वारा या फिर हमारे इंडस्ट्री वालों के द्वारा या फिर किसी बड़े स्कूल के द्वारा हमारे विद्यालयों को बोल दिया जा रहा है। उस प्रक्रिया के अंतर्गत भी हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उस विद्यालय को ठीक किया जाए। सर वहीं बच्चों से जब सवाल पूछे गए तो उन्होंने अपने शिक्षा मंत्री या फिर आपका नाम या फिर अपने जिलाधिकारी का नाम ही पता नहीं है बच्चों को, क्या कुछ टीचर वहाँ पढ़ाई क्या करा रहे हैं? ऐसा है कि ये टीचर की जिम्मेदारी बनती है वहाँ पे कि उसको इस तरह की चीज़ बताया जाए। क्योंकि हमारे तरफ से सामान्य ज्ञान के लिए पुस्तकें भी बनाई जा चुकी हैं और सभी खंड शिक्षा अधिकारी को उप शिक्षा अधिकारी को पुस्तकें दी जा रही हैं कि ये विद्यालय से पुस्तकें जाएँ और सामान्य ज्ञान की बातें जो है रोज उनको सिखाई जाए। जनपद उधम सिंह नगर सहित उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट किया गया है। तेज बारिश के चलते सभी को सचेत भी किया गया है। अब ऐसे में क्या प्रशासन कोई अप्रिय स्थिति घटने का इंतजार कर रही है? बारिश का मौसम और इस बारिश में अच्छे अच्छे मकान धराशायी हो जाते हैं। ऐसे में एक सरकारी स्कूल जिसमें नन्हे मुन्ने बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, इस खस्ता हाल हुए स्कूल की छत के नीचे देश का भविष्य है, लेकिन ये जिंदगियां शिक्षा विभाग की लापरवाही के अधर में लटका हुआ है। इस बारे में जब स्कूल के प्रिंसिपल से बात की गई तो वो भी संतोषजनक जवाब देते नहीं नजर आए, यहां तक कि खुद बच्चे भी कहते नजर आए कि उन्हें डर लगता है और ये दीवार कब गिर जाए उन्हें भी नहीं पता।
जी हाँ, शिक्षा विभाग को इस बिल्डिंग का प्रस्ताव दिया है और SDM साहब को भी दिया है और उनके माध्यम से ये जिलाधिकारी महोदय के पास भी पहुंच चुका है और उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर इंजीनियर साहब आए थे निर्माण विभाग, तो वो भी यहाँ पर मुआयना करके गए हैं, लंबाई चौड़ाई नाप के गए हैं। उसके बाद से कोई प्रगति के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि भवन निर्माण के या बिल्डिंग के इसके परिप्रेक्ष्य में क्या प्रगति चल रही है। सर कितने बच्चे हैं लगभग यहाँ पर इस समय? 105 बच्चे आज की तारीख में प्रेजेंट में 105 बच्चे अध्ययनरत। और सर स्टाफ कितना है? स्टाफ 5 का स्टाफ। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। जब हमने स्कूल के बच्चों से बात की और उनसे सामान्य ज्ञान के सवाल पूछे तो वे कुछ भी बता पाने में सक्षम नहीं थे। बच्चों को प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, राज्यपाल तो छोड़िए, शिक्षा मंत्री साहब का नाम तक नहीं पता, जो कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े करता है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? कितने में पढ़ते हो? 5 में। अच्छा, प्रधानमंत्री का नाम क्या है? कितने में पढ़ते हो खुशी? 5 में। 5 में। अच्छा, कौन से जिले में रहती हो? उधम सिंह नगर। मुख्यमंत्री का नाम क्या है? श्री नरेंद्र मोदी। मुख्यमंत्री का नाम? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का नाम। शिक्षा मंत्री का नाम क्या है? राज्यपाल का नाम? श्री के पॉल। विधायक जी का नाम पता है? राजेश शुक्ला। अच्छा, आज गुरुजी ने पढ़ाया क्या? सर जी, क्या कहते हैं, क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना हो, कैसे निकाल? लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा ठीक है। तो देखा आपने कैसे इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ना तो उन्हें कोई उचित सुविधा दी जा रही है और न ही अच्छी शिक्षा। फिर ये सवाल उठना लाजमी है कि कौन जिम्मेदार है इसका। प्रशासन भले ही लाख दावे करे, लेकिन आज आप स्कूल की स्थिति देखकर खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार की करनी और कथनी में कितना अंतर होता है। News 29 इंडिया के लिए अर्जुन कुमार की रिपोर्ट। अब देखना ये है कि कब प्रशासन हरकत में आता है और कब इन मासूमों को अच्छी शिक्षा के साथ अच्छी सुविधा का लाभ मिल पाता है, या फिर ये जिंदगियां शिक्षा विभाग की लापरवाही की भेंट चढ़ जाता है।